चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ममता बर्नवाल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ड्रीम व्हिप पाउडर से व्हिपिंग क्रीम को बनाना, जिसका यूज़ हम डेजर्ट, कपकेक या केक के डेकोरेशन में करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं व्हिपिंग क्रीम बनाने। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चिल्ड बॉल एंड बीटर का अटैचमेंट, जिसको कि मैंने 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये मैं ले रही हूँ ड्रीम व्हिप पाउडर का बड़ा पैकेट, जिसमें कि 4 शैशे होते हैं। छोटा पैकेट भी आप ले सकते हैं, उसमें 2 शैशे होते हैं। तो मैं इन 4 शैशे का यूज़ करके व्हिपिंग क्रीम बनाऊँगी। इनको 1 by 1 मैं कट करके डाल रही हूँ बॉल में। तो यहाँ पर मैंने 1 by 1 चारों शैशे को कट करके डाल दिया बॉल में। अब यहाँ पे मैं 1 teaspoon के करीब वनीला एसेंस डालूँगी। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमें 1 शैशे के अकॉर्डिंग 1/2 cup डालना है। जैसे कि अगर हम 1 शैशे डालते हैं तो उसमें 1/2 cup डालेंगे, और अगर हम 4 शैशे डाले हैं तो इस तरह से हम 2 cup मिल्क डालेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 शैशे ड्रीम व्हिप पाउडर, 2 cup मिल्क और 1 teaspoon वनीला एसेंस डाला है। अब इन सबको डालकर मैं बीट कर रही हूँ। और मिल्क जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ हमें नहीं डालना है, और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम 2 cup मिल्क इसमें डाल देंगे। और ये जो मिल्क हमने इसमें डाला है वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो हमारा ये बॉल, अटैचमेंट और ये मिल्क, तीनों चीज़ ठंडा होना चाहिए। इस तरह से हमारा व्हिपिंग क्रीम जो है बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्टिफ बनता है। फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को मैं दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ये इसमें अच्छे से बीट नहीं हो पा रहा था, चारों तरफ गिर रहा था। तो इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि इसमें अच्छे से बीट होगा। इसको व्हिपिंग क्रीम बनने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, हमें 5 से 6 मिनट तक इसको बीट करना है। और ये जो है फ्रेंड्स, सर्दियों में जल्दी बीट हो जाते हैं, बट गर्मियों में ये थोड़ा टाइम लेते हैं। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो इसके नीचे आइस का बॉल रख के इसको बीट करना चाहिए। इस व्हिप क्रीम में फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये गिरनी नहीं चाहिए। इसको जब हम स्पैचुला से उठाएं और गिराएं तो ये बिल्कुल स्टिफ हो जानी चाहिए, उससे गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे थिक होते जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जा रही है। इसे अब हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की हुई है, अभी ये पूरी तरह से व्हिप नहीं हुई है। तो इसे और बीट करेंगे हम। तो अब अगेन हम चेक कर रहे हैं बीट करने के बाद इसे हम। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्पैचुला से इसको मैंने ऊपर उठाया और गिरा रही हूँ, तो ये गिर नहीं रहा है, स्टिफ है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अब परफेक्ट हो गई है। तो अब हमारा ये व्हिपिंग क्रीम रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और एक पाइपिंग बैग में मैंने इस व्हिपिंग क्रीम को भर लिया है, और भर के मैं जैसे कप या कपकेक के ऊपर डेकोरेट करते हैं उस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। और इस तरह से हम अपने केक पर भी व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में डॉल केक बनाया है, तो ये मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप लोग भी डॉल केक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पर ये फ्रेश व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलता है या नहीं मिल पाता है, तो आप लोग ये शैशे वाला व्हिपिंग क्रीम पाउडर यूज़ करें, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को फॉलो करें, आपसे एक बहुत अच्छा व्हिपिंग क्रीम बनकर रेडी होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।